बाबा जी, जो गुलाम जिलानी बाबा का ये 8वां उर्स बनाया जा रहा है, इसके प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा तफसील से बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पीराने कलियर के अंदर हजरत बाबा जिलानी शाह रहमतुल्लाहि तआला का 8वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। हजरत बाबा जिलानी शाह रहमतुल्लाहि तआला हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला के खादी में खास थे। उनकी मोहब्बत और उनकी इनायत पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हजरात हैं उन सब के बीच में बाबा जिलानी शाह रहमतुल्लाहि तआला पीरे तरीकत सिलसिला चिश्तिया साबरिया में तमाम खिदमत औलिया इकराम की अंजाम देते थे। सरकार साबिर पाक हजरत शाह वलायत पानीपत ख्वाजा शमसुद्दीन के दरबार की खिदमत को अंजाम देते थे। उनका मजार मुबारक सरजमीन कलियर शरीफ जिला हरिद्वार उत्तराखंड में है। आज देश विदेश से लेकर और पूरे पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र से लोग उनके उर्स में हाजिर हुए हैं। वो कामिल वली फकीर हैं, उनके दरबार से लोगों की आस्था है। जो अपने मन की मुरादें लेकर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। उनके मुरीदीन उनके खुलफा उनके आशिक सब मिलकर उनका उर्स मनाते हैं। आज सरकार साबिर पाक की बारगाह में उनके मुरीदों ने उनके खुलफाओं ने उनके चाहने वालों ने चादर पेश फरमाई। उसके बाद अब बाद नमाज मगरिब 30 तारीख को उनका गुसल शरीफ होगा और रात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में यानी कौल और कवाली जो है जिसको औलिया इकराम ने जायज करार दिया है वो महफिल समा उनकी दरगाह में की जाएगी और सुबह इंशाल्लाह 10:30 बजे उनकी दरगाह में कुल शरीफ का नजराना पेश फरमा कर तमाम तबर्रुकात नजर नियाज जितने भी हाजरीन आए हैं उन तमाम की तरफ से यहाँ की उर्स कमेटी की तरफ से उनके मुरीदीन उनके खुलफा उनके चाहने वालों की तरफ से तमाम तबर्रुकात पेश किए जाएंगे। अल्लाह सबके तबर्रुकात को सबकी नजर नियाज को सबकी हाजिरी को इन कामिल वली की बारगाह में अपनी रहमत से कबूल फरमाए और उसके बाद इंशाल्लाह तमाम जाहिरीन को लंगर व तबर्रुकात देकर रुख्सत कर दिया जाएगा।